पहली बात तो ये बाबा कि एक साधक के हिसाब से जब दत्त महाराज का हमें दृष्टांत हमने सबने सुना होगा कि उनके 24 गुरु हैं दत्त प्रभु के, जो खुद ही आदि गुरु हैं, उन्होंने भी अपने गुरु बनाए। यानी एक बात तो ये तय है कि चाहे इस संसार का सबसे बड़ा भी जो गुरु है, जो सबका गुरु है, वो भी साधना करने को एंजॉय करता है, वो भी साधक बनने को एंजॉय करता है, इसलिए साधक बने। और ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में पहुंचा हो, आप जिस अवस्था में भी पहुंच जाएंगे, वहां से अगर खुद को नीचा कर देंगे, यानी अगर अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि जिस अवस्था में पहुंचे सब नकली है, सब कुछ क्षण भंगुर है, ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो बहुत समय के लिए है। दुनिया में जो कुछ भी सब है तो 2 4 5 दिन का खेल। तो छोटा होने में ना इंसान बड़ा हो जाता है। तो अगर बहुत बड़ा भी अवस्था पे पहुंच गए हो, बहुत लाखों करोड़ों लोग भी किसी को ऐसा झुक झुक के गुरु बोलने लगे, तब भी छोटा हो जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़ी गुरु जो है वो प्रकृति है, ठीक है? और इसीलिए दत्त महाराज ने प्रकृति को ही गुरु बना लिया। तो सबसे पहली टीचिंग एक साधक को या एक साधिका को जो हमारे गुरु से सीखने को मिलती है, मुझे लगता है दत्त महाराज से सीखने को मिलती है, वो ये मिलती है कि गुरु सर्वत्र है। हम सभी लोगों ने अपने जीवन में ना गुरुओं को ढूंढा होगा, कोई हमें मिल जाए बाबा जी, कोई दाढ़ी वाले, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई सोचता है कि मुझे ध्यान कराने वाले गुरु मिल जाए, कोई सोचता है मुझे मंत्र दे दें, कोई सोचता है दीक्षा दे दें, कोई कुछ सीखने को चाह रहा है, कोई कुछ जानने को चाह रहा है, लेकिन ये समझ कोई नहीं पा रहा कि गुरु तो सब जगह है, गुरु सर्वत्र है। दत्तात्रेय ने किसी चाहते तो ऐसी भी तो स्टोरी हो सकती थी ना कि दत्त महाराज शिव जी के पास चले गए, जैसा बाद में हुआ भी है, दत्तात्रेय तंत्र में शिव दत्तात्रेय संवाद है, या दत्त महाराज कहीं और गए। उनने किसको बनाया गुरु? 24 गुरुओं में से अगर आप देखेंगे, कहीं अजगर है, कहीं कपोत है, कहीं कोई कीला है, कहीं कोई और नदी है, सूर्य है, धरती है, जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, अलग अलग विषय, अलग अलग एंटिटी जिनको मिला के हम प्रकृति कहते हैं, जो सारा संसार है, ये सब कुछ ही तो गुरु है। तो साधन आपका सबसे बड़ा, या जो आप साधना करते हैं जीवन में, वो गुरु के रास्ते में है, गुरु की साधना कर रहे हैं। शक्ति वक्ति की साधना कर रहे हो, सिद्धि रिद्धियों में उलझ गए हो, वैसा वाला तंत्र कर रहे हो, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर गुरु के रास्ते पर चल रहे हैं, गुरु की साधना कर रहे हैं, तो इस संसार में कोशिश करिए कि सबसे छोटा बन जाइए। और सबसे छोटे बनने का मतलब ये नहीं है कि जब 4 लोग मिले तो मैं बोल दूं अरे मैं आपका शिष्य, गुरुओं के सामने या जो लोग ऐसे आध्यात्मिक दिख रहे हैं, जो बाबा लोग दिख रहे हैं, उनके सामने ऐसे झुक झुक के बात कर रहे हैं, और घर में छोटे भाई बहन को या किसी अपने से छोटे को एक है ना उनको डोमिनेट कर रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं। जब आपके अंदर गुरु का भाव होता है ना कि सब कोई मेरे गुरु है, तो अपने दुश्मन के अंदर भी गुरु देखना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। जो आपके विरोध में खड़ा है ना, जो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो जानबूझ के आपके साथ गलत कर रहा है, उसके भीतर भी गुरु देखो। जो अच्छा बोलेगा, जो आपकी प्रशंसा करेगा, जो आपको प्रेम करेगा, उसको गुरु बनाना तो आसान है, एक अंगे हो जाएंगे ना, लेकिन फिर हम तो अगर दोनों तरफ चलना है, सब तरीके से मध्य में रहना है, सच में साधक बनना है, सब कुछ स्वीकार करना है, सब जगह गुरु देखना है, तो अच्छे में भी गुरु देखना पड़ेगा और बुरे में भी गुरु देखना पड़ेगा। अगर कोई प्यार से लल्लो चप्पो करके मीठी मीठी भाषा में अगर कुछ समझाए, तो उसके पीछे का उसका भाव, उसके पीछे की सीख, वो भी समझना है। और अगर कोई आपको डांट डपट के, या कोई अगर गुस्से में आपको कोई बात कह देता, कई साधु होते ना, कई किसी किसी घर में माता पिता या बड़े भाई लोग या कोई ऐसे बड़े बूढ़े होते हैं, वो गाली वाली देके या गुस्से से ही बात करते हैं, ऐसे प्यार से नहीं समझाते, तो उसके भीतर भी सोचो कि हो सकता है गुरु तो उसका, आपके जो गुस्सा करने वाला है, जो आपके खिलाफ बात करने वाला है, जो तुम्हारा दुश्मन ही बन गया है, शत्रु ही बन गया है, वो भी तो गुरु का माध्यम बन सकता है। हो सकता है गुरु उसके थ्रू कुछ बताना चाह रहे हैं, पर होगा क्या कि अगर हम खुद ही बड़े बन गए, तू कौन, तू बताएगा मुझे, है ना? तो जो गुरु से बात आनी रहती है वो वापस वही हो जाती है, वो आती तो है लेकिन हम पकड़ नहीं पाते। ये उसी प्रकार है कि बारिश तो होती है लेकिन भीगे ही नहीं पाए तो क्या फायदा, बारिश बाहर होती रहे और तुम कमरे में बैठे रहो तो किस बात की बारिश, ठीक है बाबा? तो पहला सिद्धांत साधना जीवन में, साधक गुरु रास्ते चलना है। बड़े से बड़े बनोगे ना अगर बाबा, तो जो बड़ा बनता है उसको बड़े से बड़ा मिलता है, और जो छोटा बनता है ना उसको छोटे से छोटा मिलता है। तो जीवन में अपने से बड़े से टकराना है, या अपने जैसे, अपने साथ वालों के साथ, या जो पीछे रह गए हैं, जो कहीं रह गए हैं,
उनको साथ में लेके चलना है, ये हमारा एक चिंतन का विषय है, इसको सोचिएगा जरूर, ठीक है? क्योंकि ये बात बहुत लोगों के साथ हो जाता है कि गुरु जब हम देखते हैं, चाहे हम किसी किताब को गुरु मान लें, अब किताब के अंदर जो हमारे हिसाब से बातें लिखी हुई हैं वो हम मान लेंगे, है ना? तो जब समझो तो पूरा पकड़ो, अच्छाई को भी पकड़ो और बुराई को भी पकड़ो, क्योंकि जिसके तुम विरोध में खड़े हो गए उतने माध्यम तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे गुरु उतने माध्यम से नहीं आएगा। अगर जीवन के अंदर किसी के 10,000 मीडियम बन सकता है कि 10,000 तरीकों से गुरु तुम्हें सिखा सके, माता पिता के जरिए, दोस्तों के जरिए, तुम्हारे घर के माहौल के जरिए, पिक्चर के जरिए, किसी फ्लैश के जरिए, किसी ध्यान के जरिए, किसी के मैसेज के जरिए, कोई व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, कोई इंस्टाग्राम फीड के जरिए, तुम किसी के भी विरोध में मत रहो बाबा, अगर सच्चे साधक हो तो। सच्चा साधक जो होता है वो एक्चुअल में रसिक होता है, रस की जिसको तलाश है वो कहीं से भी ढूंढ लेगा। मधुमक्खी को फल के नेक्टर से, उसके अंदर जो उसका सत है उसको उससे मतलब, उसको इससे मतलब थोड़ी ना कि दुबे जी के घर का पौधा है या मिश्रा जी के घर का पौधा है ना, या किसी आनंद जी के घर का पौधा है, उसे तो जिस पौधे में रस मिलेगा, मधुमक्खी काम उस रस को ने छोड़ना है। तो ये पहली सीख है, ठीक है? दूसरी बात, अगर आप इस दृष्टिकोण से साधना कर रहे हैं कि आप बंधन मुक्त होना चाहते हैं, बंधन क्या होता है समझ लो, जीवन में जो भी चीज इस संसार में तुम्हें तुमको होने से रोक दे, मुझे मुझको होने से रोक दे, जैसे मेरा मन मूल स्वभाव का कोई व्यक्ति का ऐसा है कि यार वो किसी को भी कोई गलत बात बोल ही नहीं सकता, किसी का दिल नहीं दुखा सकता, लेकिन बेचारा पुलिस की नौकरी में बैठा हुआ है, उसकी मजबूरी है, उसको दिन भर में 4-5 को बेवजह गलियाना भी पड़ता है, 2-4 की तोड़ना भी पड़ता है, कई लोगों को बेवजह उठा के लाना पड़ता है, सही को गलत, गलत को सही, क्योंकि सामाजिक एक पहलू है ना। तो जो चीज आपको खुद होने से रोक दे, आप अच्छे व्यक्ति, ये मान लो कोई इसका उल्टा भी देख लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो बाजी नहीं आ रहा, उसको सबसे ही बदला लेना है, जिसने उसको तरफ नजर उठा के देख ली वो तुरंत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहेगा कि इसको मैं अभी बताऊं कि मैं कौन हूं, तेरी मजाल, मैंने मेरी तरफ तूने नजर उठा के देखी। तो इस अवस्था में, इस भाव में ना, जितना आप किसी दूसरे को बांधोगे उतना खुद बंध जाओगे। न्यूटन का तीसरा लॉ अपने को याद रखना, तीसरा लॉ सॉरी, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये जो सा भी लॉ है इसको मान के चलना, तीसरा तो इनर्शिया वाला है। बात यह है कि अगर आप खुद बंधन मुक्त होना चाहते हो ना, खुद खुल के जीना चाहते हो, पैसों का बंधन नहीं चाहते हो अपने जीवन में, सम्मान अपमान का बंधन नहीं चाहते हो अपने जीवन में, शरीर का बंधन नहीं चाहते हो अपने जीवन में कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे यार, कम से कम अगर मैं गिरनार यात्रा पे जाना चाहता हूँ, मैं कैलाश यात्रा पे जाना चाहता हूँ तो मैं जा सकूं, मन मेरा स्वस्थ रहे कि जीवन में भले ही मैं 2 रुपए कमाऊं, चाहे मैं 2 करोड़ रुपए कमाऊं, जो भी कमाऊं संतोष तो रहे, शांति तो रहे, कि जितना भी कमाया कम से कम रोटी खाऊं तो कम से कम चैन से बैठ के खा सकूं, अगर हरि स्मरण करूं तो उस समय हरि को स्मरण कर सकूं, ये बंधन है। अगर आप खाना खाने बैठे और खाना नहीं खा रहे, कुछ और भी कर रहे हो, तो ये बंधन है, ठीक है? कोई किसी बंधन में उलझा, कोई किसी के बंधन में उलझा है। मोह का भी बड़ा तगड़ा बंधन होता है, कभी कभी हम अपने प्रियजनों के चक्कर में गलत कर जाते हैं, जैसे महाभारत, कांधारी, धृतराष्ट्र, बच्चे का मुंह मार गया हमसे, है ना? हम सबके जीवन में भी ऐसे, हम लोग भी किसी ना किसी के लिए गांधारी होंगे, हम लोग भी किसी ना किसी के लिए दुर्योधन होंगे, ऐसा होता है। तो इतने बंधो भी मत, और इसका क्या सिद्धांत है, अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो खुद किसी के ऊपर बंधन ना बने। कैसे ना बने, ध्यान रखना मेरी बात, कोई आपको बड़ा मानता है, कोई आपका सम्मान करता है, आपको पता है कि कोई व्यक्ति आपको ना नहीं बोल सकता, अगर आप उसको कोई काम बोल दोगे तो वो ना नहीं बोलेगा, तो जबरन ना उसके ऊपर लद मत जाओ कि भार बन के लद गए कि पता है ना नहीं बोल रहा तो दिन भर उसको लाद दिया काम से। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बॉसेस होंगे, बहुत से लोग होंगे जो बिजनेसमैन होंगे, उनके एम्प्लॉयज होंगे, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर के अंदर कोई छोटे बच्चे को, कोई अपनी पत्नी को, कोई अपने पति को, कोई अपने भाई बहन को, कोई कोई तो ऐसे भी महारथी हैं जो अपने माँ बाप को भी काम बोलते हैं, देना जरा ग्लास का पानी भर के, या लगा देना जरा मेरी चादर, मैं सोने आ रहा हूं। तो बाबा अगर तुम किसी पे बंधन, क्योंकि तुम जानते हो कि सामने वाला मना नहीं करेगा, तुम किसी की अवस्था देख रहे हो कि वो थका आ रहा है, फिर भी तुम जबरन भी नहीं, मुझे तो है ना, कोई व्यक्ति है मान लो, उसे
चार लोगों के बीच में बैठ के आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसे नहीं अच्छा लग रहा है। मजाक अगर आपका सब लोग हंस मजाक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सबको, तो ठीक है, करना, कोई बुराई नहीं है, हर चीज जरूरी है। मैं मजाक हंसी के विरोध में नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति ना, क्योंकि आप शायद उससे बड़ी पोजीशन में हैं, उम्र में बड़े हैं, या किसी भी कारण से वो आपको नहीं बोल पा रहा, सबके सामने नहीं बोल पा रहा कि भैया मेरा मजाक मत उड़ाओ यार, या दीदी मेरा मजाक मत उड़ाओ, तो मजाक मत उड़ाओ यार। ये ध्यान रखो, तुम जिसको दबाव दोगे ना, जिसके लिए तुमने बंधन बनाया यार, वो तुम्हें बनाएगा। किसी का भी पैसा लूट घसूट के कहीं से आ रहा हो, ठीक है, आप, मैं कहता हूँ गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको जानकारी भी है कि कहीं और से आपके पास कोई गलत तरीके से पैसा आ रहा है, जिसको शायद किसी ने बड़ी मुश्किल से कमाया है, तो ये तुमने उसको गरीबी के बंधन में जो बांध दिया है ना, कि करोड़ों लाखों रुपए भी कमा लोगे तो जीवन में दरिद्र रहोगे, क्योंकि जो आपके बंधन में दूसरे को बांध रहे, वो बंधन आपको भी लगेगा, ठीक है। तो अगर खुद हमें स्वतंत्र रहना है, अगर हम नहीं चाहते कि हमको कोई गुस्सा करे, तो खुद गुस्सा करना छोड़ दो। अगर नहीं चाहते हो कि कोई आपको बेइज्जत करे, या कोई आपका बेवजह अपमान करे, तो दूसरों का अपमान करना बंद कर दो। सबसे अहम बात जो हम सभी, आप, मैं, मुझे लगता है ज्यादातर लोग ये परेशानी में फंसे हुए हैं कि हम बहुत इजीली ना जिसको देखते हैं जज करने लगते हैं, क्योंकि दिमाग हमारा वैसा फंक्शन करता है, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, सामाजिक एवोल्यूशन जो इन ह्यूमन बॉडी का हुआ है, ब्रेन का हुआ है, उसी हिसाब से कि जिसको देखो तुरंत जज करता है। इतना फास्ट दिमाग है, तुम्हें पता नहीं चलेगा बाबा तुम कब किसको जज कर लोगे। कहीं कोई लड़की दिख गई अगर कि उसको थोड़े ज्यादा फॉरवर्ड है ना, ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहने, कई लोगों को ऐसा दिक्कत होता है, खासतौर से रूढ़ीवादी मानसिकता ज्यादा थोड़ा कई लोग के दिमाग में जिनकी रहती है, तो वो अगर कोई लड़की वैसे गुजरते हुए देखें कि थोड़ा फॉरवर्ड लड़की जा रही है, उसने थोड़े अगर कहीं छोटे कपड़े पहने हैं वेस्टर्न अटायर में, या बेबाकी से अगर कोई लड़की बात करे, तो उसको बोलते हैं अरे ये सही लड़की नहीं। कोई लड़का है अगर वो बिल्कुल खुल के विचार रखता है, डरता नहीं है, जो बोलना होता है बोलता है, जो मन में आता है सब बोलता है, अरे यार सही व्यक्ति नहीं, तुमने ऐसा जज कर लिया प्यारे। जज मत करो यार, क्योंकि तुम जजमेंटल झेल नहीं पाओगे अगर दूसरे तुम्हारे साथ जजमेंटल हो गया। हमेशा एक बात का ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्रिय जनों, कि दुनिया में ना जो इंसान होता है वो एक अलग कहानी है, और दुनिया जो समझती है वो एक अलग कहानी है। सारी उम्र ना हम दुनिया को देख के जीते हैं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, हम अपने ना परसेप्शन को मेंटेन कर रहे होते हैं। व्हाट वी डू इज परसेप्शन मैनेजमेंट थ्रू आउट आर लाइफ। और करना क्या है कि जो मुझे पसंद है मैं वो करना है, ठीक है। तो बंधन, ये भी एक बहुत बड़ा बंधन है, मान लीजिए, और उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे जीवन में एक बहुत अच्छे गुरु जी थे, उनका नाम है, और बहुत ही हमारे संप्रदाय में मेरी बेवकूफी थी कि जब तक वो शरीर में थे तब तक मैं उनको पहचान नहीं पाया, मैंने उनको इग्नोर किया, और जब वो शरीर त्याग के चले गए तब मुझे समझ में आया कि मेरे से क्या भूल हो गई। क्योंकि मैंने क्या गलती करी कि मैंने जब उनको पहली एक दो बार मिला तो मैंने ना जज कर लिया। कैसे जज कर लिया कि गुरु महाराज थे, गुरु जी थे, सन्यासी थे वो, तो उनके हम पैर पड़े, प्रणाम करें, कुछ दक्षिणा दें, वो देखते भी नहीं थे। मंदिर जाओ, एक हफ्ते जाओ, ऐसा करो, नहीं देखे, अगले महीने अगली बार जाओ, प्रणाम करो, कुछ ना बोले, देखे भी नहीं। फिर मैंने ये भी देखा कि कोई और किस दिन मंदिर जाओ तो ऐसा होता है ना कि कोई बड़ा बंदा आया हुआ है भाई, गार्ड्स वार्ड्स लेके आया है, पुलिस वुलिस के अपने साथ, यानी कोई बड़ा अधिकारी है, कोई है, दिस पर्सन हैज सम अथॉरिटी इन द सोसाइटी। तो वहां देखा कि बाबा जी तुरंत खड़े हो गए और वो उनने गले वले लगा लिया किसी को, तो हमने जज कर लिया उनको, हमने बोला यार ये व्यक्ति ना गरीबों को लग रहा है इग्नोर करता है, जो सारे मजबूत लोग हैं जिनके पास पैसा वैसा, जिनका अथॉरिटी है, ये गुरु जी ना इन्हीं के लगता सगे हैं। इस चक्कर में 3.5-4 साल में उस मंदिर जाता था, ये मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ आप लोग, लगभग कभी 1.5-2 साल तो ऐसा भी हो कि हर हफ्ते ही मैं जाता था उस मंदिर में, लेकिन जब तक वो थे तब तक मेरे को समय नहीं मिला, और जब वो गुजर गए तो उसके बाद मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ कि मैं खुद को, मतलब मैंने वादा किया यार कि मैंने अब जज नहीं करूंगा किसी को, मैंने खुद से वादा किया, और मैंने ना बहुत कठिनाई से सीखी ये बात। और आप लोग को अगर किसी एक के भी दिमाग में कोई अगर यही बात मेरी कभी बैठ जाए जीवन में, और अगर वो हरी कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, किसी को जज करना छोड़ देना, आप देखोगे कि जीवन में कितने हर दिल से जुड़ पाओगे। जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। जो दूसरों को जज करता है ना, उसके मन में भी ये भय रहता है कि दूसरे मुझे जज करेंगे, और इसलिए हम खुद नहीं बन पाते। अगर
साधक बनना पसंद है, माला वाला पहनना पसंद है, जटाएं वटाएं रखना किसी को पसंद है, वो रख ही नहीं सकता। उसे लगेगा कि यार दूसरे लोग जज करेंगे, नहीं तो चले जाओ ऑफिस में जटा वटा रख के। हम कई लंबे समय तक माला वाला पहन के ऑफिस जाते थे, एमएनसी में टीका वीका लगा के, तो लोग हमें थोड़ा 19 20 समझते थे। बहुत से लोग थे वो बोलते थे कि यार ये सब क्या है, तुम पता है ऊपर बॉस वगैरह पसंद नहीं करेंगे इस चीज को, उनको लगेगा कि ये कैसा बंदा है, तुम्हारी ग्रोथ में दिक्कत हो जाएगी। अगर ठीक है बाबा वो भी देखेंगे, तो जज मत करो किसी को, जज करना सबसे बड़ा बंधन है। तीसरी बात, दत्त महाराज ने ये बात कही है बाबा कि समर्पित भाव से व्यक्ति को प्रकृति के आगे समर्पित हो जाना। और समर्पण भाव किस चीज को कहते हैं पता है, कि जो आपकी स्ट्रेंथ है यानी जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जो आपके गुण है, ऐसी जितनी चीजें आपके साथ हैं मन वचन कर्म से जिसमें आप अच्छे हैं उनके साथ, और जो आपकी वीकनेसेस हैं यानी मन वचन कर्म से जो आपकी अनियमितताएं हैं, जो खराबियां हैं, जो दुर्गुण है हमारे अंदर, उनको भी समर्पित करना है। नहीं तो साधक के साथ पता क्या होता है, ये बहुत साधकों के साथ होता है, मैं तो भुक्त भोगी हूं इसलिए बात कह रहा हूं, थोड़ी मोड़ी साधना भी कर ली, दो चार पांच अनुभव हो गए, अब हमें लगता है कि यार हमारी आइडेंटिटी एज अ साधक क्रिएट हो गई है, कि ओ माय गॉड कोई बिजली चमकने लग गई, मैं शिवजी बनने वाला हूं, बस महादेव और मेरे में थोड़ा सा ही बस फर्क है। अब हम पहले तो अपने गुरु को ही बता देंगे, ये जिसने साधना सिखाई है, किसी भाई ने, किसी पिता ने, किसी दोस्त ने, जिसने भी, किसी सहेली ने, जिसने भी, किसी बहन ने, जिसने बताई उसी को जाके अनुभव बताते हैं, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ और बता दिया। उसके बाद ये भी आकांक्षा रहती कि थोड़ी तारीफ वारीफ तो हो जाए, कि वाह यार तुमने झंडे गाड़ दिए। बहुत लोग आते हैं मेरे पास जिनके ना अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, और भगवान के साथ अच्छे अनुभव होते हैं, मतलब कई लोग तो ऐसे अनुभव सुनता हूँ मैं कि मेरे को लगता है कि यार ऐसा तो मैंने कभी अनुभव नहीं किया कि महाराज कितना दयालु है, कोई सीमा ही नहीं है। जो जो मेरे दिमाग में अनुभव सुन के एक सीमा बनती किसी चीज की, वो सीमा हमेशा टूट जाती है, ऐसा महाराज करते हैं। पर ये है कि मैंने ये भी साथ में अनुभव की नोटिस, मतलब एक चीज नोटिस करी है कि साधना काल में ये मेरे साथ भी दिक्कत थी और भी लोगों के साथ ही दिक्कत होती है, इसलिए मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ कि अगर आपके साथ भी दिक्कत है तो थोड़ा समझ जाना, सतर्क रहिए, कि अगर आपने कोई अनुभव बताया और उस पर कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया ना दे, एक प्रकार से आपका जो सम्मान है वो ना रखे, इग्नोर कर दे कि ठीक है जो भी, ठीक है बढ़िया है, हरे कृष्णा हरी बोल, दिल में चोट लग जा रही है, अरे बाप रे मैंने ऐसा अनुभव बताया कि मैं बिल्कुल ब्रह्मर्षि बन गया हूं और तुम ध्यान भी नहीं दे रहे उस बात को। दूसरा और क्या बंधन होता है मालूम होगा, चार किताबें पढ़ ली, चार लोगों को सुन लिया, चार ध्यान कर ली, चार साधना कर ली, खुद ही को मान लिया कि अरे हम बताएंगे अब तुम्हें, तुम क्या बताओगे। ठीक है, सुंदरकांड में ना चौपाई आती बड़ी प्यारी है, जब हनुमान जी सीता माता से मिलने जाते हैं तो वो उनसे बोलती कि क्या बाकी लोग भी, मतलब आप लोग ने सुना होगा, सुनु माखा माता शाखामृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाय परम लघु ब्याल। तो हनुमान जी ने बात कही है कि सुनो माता शाखामृग नहीं बल बुद्धि विशाल, कि माता मेरे अंदर कोई बल और बुद्धि विशाल नहीं है, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाय परम लघु ब्याल। ब्याल कहते हैं सपोले को, यानी सांप का जो छोटा सा बच्चा होता है ना उसको। हनुमान जी महाराज माता सीता को ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे, बात बता रहे हैं कि प्रभु का जो प्रताप होता है ना, जब ईश्वर की कृपा होती है ना बाबा, तो बड़े बड़े गरुड़ को भी ना एक ब्याल यानी एक छोटा सपोला खा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि प्राकृतिक रूप से सांप को गरुड़ खाता है, गरुड़ बड़ा शक्तिशाली होता है, सांप उसका दुश्मन निपटा देता है, लेकिन जब हरी कृपा हो जाए ना तो छोटा सपोला भी गरुड़ को खा सकता है। तो ये विश्वास मान के चलना कि अगर जीवन के अंदर कोई स्ट्रेंथ है आपकी, कोई शक्ति है, कोई कैपेबिलिटी है आपके अंदर, कुछ उस चीजों में अच्छे हो गए हो तो प्राकृतिक रूप से अच्छे हो गए हो, ईश्वर ने दिया है इसलिए अच्छे हो गए हो, उसका अहंकार भी समर्पित कर दो गुरु महाराज को। अगर किसी चीज में खराब रह गए, कोई व्यक्ति बचपन से अच्छा गाना नहीं गा पाया, कोई व्यक्ति है वो ज्यादा मनी माइंडेड नहीं है भाई, वो हर चीज को पैसों में नहीं नाप सकता, कोई व्यक्ति है वो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेके जी रहा है लेकिन वो बाकी सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तो अगर कहीं कोई अनियमितता भी है, कोई अगर कोई दुर्गुण, दुर्गुण तो नहीं कहूंगा लेकिन नेचुरल रूप से देखा जाए तो अगर कोई चीज थोड़ी सी कम भी है, हम कहीं पूरे नहीं पढ़ पा रहे, तो वो भी समर्पित कर दो बाबा, उसके लिए गिल्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है, खुद को कोसने की जरूरत भी नहीं है।
और दूसरों को मत देखो, दूसरों से कंपैरिजन मत करो, हर व्यक्ति अपना अलग है, ठीक है। और चौथी बात कि पुरुष अगर किसी भी तरीके से, बाबा अगर तुम तंत्र कर रहे हो ना, चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, अगर तंत्र के रास्ते हो, क्योंकि तंत्र शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आधी दुनिया को तो लगता है कि तंत्र यानी जादू टोना ब्लैक मैजिक, और आधी दुनिया को पता भी नहीं कि तंत्र है क्या। तो अगर तंत्र के रास्ते चलना है तो पुरुष और प्रकृति का भाव जो है वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इससे क्या कर सकते हैं, सबसे फिजिकल लेवल पे, लोएस्ट लेवल पे बात कह रहा हूँ, कि जो पुरुष हैं वो प्रकृति के प्रति अपना गुरु का भाव रखें, जैसे शिव ने शक्ति को गुरु माना है, और जो महिलाएं हैं जो प्रकृति भाव में हैं, उनको पुरुष के प्रति, जो भी हमारे परिवार में हमारे समाज के पुरुष हैं उनके प्रति गुरु का भाव रखिए। देखना तो सभी के अंदर गुरु है, मैंने पहले भी बात की है, ऐसा नहीं है कि बाकियों के अंदर हम गुरु को नहीं देखेंगे, लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो शारीरिक रूप से पुरुष है उसके अंदर पुरुष का जो बल है वो ज्यादा है फिजिकल फॉर्म में, अंदर बाकी भीतरी लेयर में हो सकता है कुछ आगे नीचे भी हो, लेकिन सबसे पहली लेयर जो है, सबसे ज्यादा जो हम अनुभव करते हैं सबसे पहले तो फिजिकल लेवल पे ही करते हैं ना, जब फिजिकली पूरे होंगे तब तो फिर नीचे की गहराई की बात आएगी। तो जिस चीज के आपके अंदर रिक्तता है, जिस चीज की थोड़ी कमी, जैसे मैं पुरुष हूं, मेरे अंदर प्रकृति की रिक्तता होगी इसलिए मैं पुरुष हूं ना, फिजिकल लेवल पे बात कर रहा हूँ, अगेन कंफ्यूज मत होना। तो संसार में कोई बेटी मिले, कोई माँ मिले, कोई बहन मिले, कोई दोस्त मिले, कोई सहेली मिले, कोई गर्लफ्रेंड मिले, कोई पत्नी मिले, कोई दादी मिले, या सड़क चलते भी कोई किसी को रिश्ता होना जरूरी नहीं बाबा, कोई सिर्फ समाज में महिला भी है ना। तो कोशिश करिएगा कि अगर आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाया गया, अगर आपको बल दिया गया है, अगर आपको पौरुषिक प्रवृत्ति दी गई है, तो किसी की मदद ही करना, किसी को दबाना मत, ठीक है। और महिलाओं को भी चाहिए कि आपके अंदर जो चंचलता है, जो आपके अंदर चापलता है, या जो प्रकृति का तत्व है कि साइक्लिक नेचर, कुछ भी चीज में उलझती नहीं, महिलाओं का बड़ा अलग खेल है, ये भगवती स्वरूपा है। तो हमको भी अगर कोई परिवार के अंदर बेटा हो, कोई भाई हो, कोई पिता हो, कोई पति हो, कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई रिश्ता नहीं भी हो, तो ऐसा नहीं देखना कि हर कोई ही गलत है या हर कोई दबा रहा है, क्योंकि कई सालों से थोड़ा सा पितृसत्तात्मक समाज रहा है, तो थोड़ा सा एक चीज का ये भी भाव है कि महिलाएं कुछ ज्यादा ही कटती हैं, सभी को एक नजरिए में देखने लगती हैं, और वहीं पे आपका बंधन लग जाता है। क्योंकि समझो, किसी इंसान से तुम्हारी बुराई नहीं, तुमने पुरुष पदार्थ कोई गड़बड़ मान दिया है, अब तुमने पुरुष एलिमेंट को अगर गलत मान लिया, लड़की होगी या फीमेल होगी, तो वो कैसे बैलेंस होगा। कई होती हैं महिलाएं जिनको पुरुष से दिक्कत है, कई पुरुष होते हैं उनको महिलाओं से ही प्रॉब्लम है कि सभी ऐसी होती हैं यार, ये सब लड़के जैसे होते हैं यार, इन चकल्ले से मत फंसना, क्योंकि यहीं से शुरुआत है। फिजिकल लेवल पे अगर दिक्कत आ गई तो मेंटल लेवल पे भी आ जाएगी, इमोशनल लेवल पे भी आ जाएगी, आत्मिक लेवल पे भी आ जाएगी। चार बातें फिर से समराइज कर दे रहा हूँ कि गुरु की सीख क्या है। गुरु सर्वत्र है, हमारे आसपास है, दूर मत भटको, जो आसपास समझ में आ रहा है ना उसमें गुरु का ज्ञान है, आसपास में गुरु ढूंढो, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने पास के पौधों में, लिविंग में और नॉन लिविंग, इससे चक्कर मत पड़ना, प्राप्त तो करने की कोशिश करो, गुरु मिल जाएगा। दूसरी बात, बंधन मुक्ति चाहते हो, स्वतंत्र रहना चाहते हो, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, नहीं चाहते कोई बंधन लगाए, अपनी आत्मचेतना से जीवन जीना चाहते हो, मलंगी चाहते हो, मस्त रहना चाहते हो, तो दूसरे के जीवन में कोई बंधन मत लगाना कभी। जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी व्यक्ति क्षमा कर मांग सकता है, ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन जानबूझ के तो कम से कम किसी को बंधन में मत बांधो, इसका ध्यान रखना। तीसरी बात कि है, जो भी हमारी समझ है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारे अंदर अच्छा और जो हमारे अंदर बुरा है, सब कुछ गुरु को समर्पित करते हुए अपना कुछ भी मत मानो, खुद को इस अच्छाई और बुराई से दूर रखो, ठीक है बाबा, गुरु को समर्पित कर दो। इससे क्या फायदा होगा कि कोई अभिलाषाएं और आकांक्षाएं रहेंगी नहीं, और ये थोड़े समय अगर प्रैक्टिस कर लिया तो जीवन बड़ा हल्का लगने लगता है। कोई आपको कुछ अच्छा बोल दे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कोई बुरा बोल दे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जो अपनी मध्य की अवस्था है वो बरकरार रहती है, ध्यान मजबूत हो जाता है, अनुभव मजबूत हो जाता है, मध्य में ही गुरु है, तो गुरु के समीप रहना है तो अपने को मध्य में रहना पड़ेगा, ठीक है। चौथी बात कि पुरुष और प्रकृति का बैलेंस हर लेवल पे होना जरूरी है। आज हम क्योंकि बेसिक साधना पर शुरुआती बातें कर रहे हैं, तो फिजिकल लेवल पे मैंने बताया।